बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउज एवरीवन। हमें और तो कोई काम है नहीं, मगर जो सोशल मीडिया पर जो ख़बरें मिलती हैं वो हम आगे शेयर कर देते हैं। और एक दो ख़बरें जो हैं वो मुझे नज़र आईं तो मैंने सोचा कि मैं भी शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो अब इंडिया है, मिस्र भी बहुत ही एक तगड़ा मुल्क है। मिस्र की अपनी सकावत है, अपनी तारीख है, उसका बैकग्राउंड है, सब कुछ है, कल्चर है। तो इंडिया और मिस्र जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी कि मुल्कों के दरमियान अच्छे पुरमन ताल्लुकात होने चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए, और सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स में एक दूसरे की अच्छी ट्रेड और कॉमर्स में एक दूसरे की हेल्प होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी खबर ये मैंने पढ़ी कि जो कश्मीर है उसमें एप्पल्स जो होते हैं सेब, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर जो कल्टीवेट करते हैं लोग सेब, वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, खुशहाल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके हालात अच्छे चल रहे हैं। स्वीडन बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बहुत पुरसकून, बहुत शानदार मुल्क, जानदार मुल्क। वहाँ की खबर ये है कि वो यूरोपियन यूनियन और जो यूरोप के तगड़े मुल्क हैं उनको उनके होस्ट कर रहा है, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम जो अपने मसाइल हैं वो कैसे हल करें। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।